चारों तरफ हर्षोल्लास है, ढोल नगाड़े जय घोष के साथ माँ नकुला देवी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और माँ नकुला देवी के पुजारी हल्दर पंडा हमारे साथ हैं, समाजसेवी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले माँ नकुला देवी के पुजारी हल्दर पंडा से बात करते हैं, आज कौन सा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है? माता रानी का वैसे जब मालूम नहीं करते क्योंकि ये जगत जननी है, जगत जननी का जन्म का पता नहीं होता है, माता जन्म का नहीं पता सकता। लेकिन माता रानी का जो नया रूप हुआ 99 में, जो माँ का नया रूप परिवर्तित हुआ अष्टादी के रूप में, तब से लेकर हम भक्त पर निकल के ऋषि के भक्त और जो लगे हुए आओ सभी भक्ति के लिए हैं, सभी लोग माता रानी का जन्म उत्सव उसी समय से मनाते आ रहे हैं। यहाँ चमत्कार तो माता रानी के अनिल के मात्र चमत्कार है, जो जिस इच्छा से मंदिर पर आता है माता रानी उसकी उसी प्रकार की इच्छा पूरी करती है। संतानों को संतान दे रही हैं, जो जॉब के लिए आते हैं माता रानी उन्हें जॉब दे रही हैं, जो जिस प्रकार की इच्छा लेकर यहाँ आते हैं माता रानी सभी प्रकार की उनकी इच्छा तरीके की सूची लगी हुई है। ये सूची जो माता रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो उसके लिए अपने एक पूरे क्षेत्र के लोगों ने मिलकर सोचा कि अपन 1100 रुपए देकर यहाँ पर आजीवन सदस्य बनते हैं लोग, जिससे 1100 रुपए देकर माता रानी का जो भव्य जन्मोत्सव मनाया जाता है उसके लिए उन्हीं के द्वारा ये 100-102 लोग अमाहा के हैं, तब वो ज्ञान परा जो आस पास लगे हुए क्षेत्र बार बार के बगल में और लगी है, करीब 250-300 लोग हो गए हैं उनके द्वारा 1100-1100 रुपये प्रसाद भंडारा चल रहा है। माता रानी का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है ये सब उन्हीं के द्वारा दान राशि दी जाती है, उन्हीं के सहयोग से माता रानी के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम होता है। तो हमारे साथ हल्दर पंडा पुजारी जुड़े हुए थे, समाज सेवी भी कुछ माँ का दरबार, ये तो लोगों का कहना है। प्राचीन काल में हमारे क्षेत्र वीर मलखान भूमि थी, वहाँ से उन्होंने स्थापना करवाई। मलखान सिंह मलखान जी द्वारा जो महाभारत में उन्होंने युद्ध किया स्थापना की, और क्षेत्रवासी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग धूमधाम से उसके रूप में आज के दिन हम लोग मनाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पूरा क्षेत्र का सहयोग जान से जान काम करते हैं लोग तो। हाँ तो अभी करते रहेंगे, ऐसा ही बनता रहेगा, तो जो काम होगा पूरा होगा। भैया है सब माधुरी का से आनंद है, और क्या भैया का जन्मदिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि भैया पाल साहब का बहुत सहयोग रहता है धार्मिक कार्यक्रमों में और क्षेत्रीय कार्यक्रमों में, और इसी तरह के हमारे पाल साहब सहयोग करते रहे, हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे, इसी तरह कार्यक्रम माता के दरबार में चलते रहे। तो आदिशक्ति पीठ माँ नकुला देवी के 21वें जन्मोत्सव पर आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। भूलिएगा जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें, धन्यवाद। और ग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।